कारवां बनता गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून वर्दी चीफ गेस्ट फॉर टुडेज इंपॉर्टेंट प्रोग्राम डॉक्टर देवांश यादव आईएएस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर किश्तवाड़। गेस्ट ऑफ ऑनर फॉर टुडेज प्रोग्राम मैडम डॉक्टर ज्योति परिहार वर्दी प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किश्तवाड़। अदर डिग्निफाइड फैकल्टी मेंबर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट Today's program is being organized by Career Counseling and Guidance Cell, Government Degree College Kishtwar, and the theme of today's program is, you can see on the LED also, UPSC Civil Services Preparation and Strategy. जो रेस्पॉन्स हमें मिला, हालांकि मैं कल ही डी सी साहब से बात कर रहा था, मैंने कहा सर क्या आप रेडी हैं, सर ने कहा बिल्कुल। हालांकि 26 तारीख को सर ने कहा था कि 2 मई को आप इसको रख लीजिए, क्योंकि सिंथन फेस्टिवल है, उसके लिए भी सर को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया रहा वो। तो सर ने 2 मई का हमें टाइम दिया था, बिल्कुल सर बिल्कुल वादे के पक्के निकले और आज हम हमारे सामने सर बैठे हैं। मैं सर को बता दूं कि सर जो जो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स हमें बच्चों का मिला, सुबह कल शाम को हमने शेयर किया ग्रुप्स में, और आज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कॉलेज पास आउट्स हैं, वो हमें बता रहे थे सर प्लीज़ क्या हमें अलो करेंगे आप कॉलेज में। तो मैं उनको बोल रहा था कि पहले तो हम अपने बच्चों को ही जो अभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं उन्हीं को पहले परमिशन है, हालाँकि आप भी हमारे स्टूडेंट हो, यहीं से पास आउट हो, तो बहुत सारे बच्चे इसको अटेंड नहीं कर पाए, एक तो जगह की वजह से और दूसरा कुछ इस तरह का फंक्शन। आवर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्री देवांश यादव जी, रेस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आई फील ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड टू वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किश्तवाड़, एंड माय स्पेशल वेलकम टू आवर टुडेज चीफ गेस्ट, about whom I must say that action speaks louder than words, and this proverb, it is justified when we use it for our today's chief guest, because in a small span of time our this town of Kishtwar has witnessed the action taken by our district development commissioner, whether the initiatives taken by him, whether in the field of this establishing these 2 cricket pitches in the college, our establishment of various libraries, setting up after coaching classes for the students. So always sir is taking initiatives for the betterment of the student community and for the whole public of Kishtwar in general. Today sir, we are very thankful to you that you have spared your this time from your busy schedule, and you are here with all of us, and I hope that this today's interaction with the students, it is going to help them in their future this endeavors, and it will help our students in the choice of the career, and in future also we hope the same cooperation from the office of the district development commissioner. And I also congratulate our guidance and counseling cell for taking this initiative, and I appreciate their initiative and hope that they will organize such type of more and more programs for the betterment of the students. So with these words, I request Professor Faisal Mushtaq for the further proceedings. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. Chahite aur ek bahut hi wonderful personality Dr. Devansh Yadav sir ko main request karunga ki wo aaye, aur main tamam bachchon se bhi request karunga ki wo please apni copies jo aap keh rahe the subah, अपनी नोटबुक और अपनी कॉपीज और अपना, उससे पहले सॉरी रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम जीडीसी किश्तवाड़ करियर काउंसलिंग सेल एंड सारे स्टूडेंट्स, तो आई थिंक वील कीप इट मिक्स्ड लैंग्वेज, इंग्लिश एंड हिंदी उर्दू कंबाइंड, ताकि सब लोगों को समझ में आए। इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी इसके बारे में सोच रहे हैं, तो एस्पिरेंट्स कौन कौन है, यानी कि जो ऑलरेडी तैयारी शुरू कर चुके हैं, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि बाकी सारे इसके बारे में सोच रहे हैं,
they are contemplating whether to take it as a career option or not, right? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे जो स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड बताया गया है, ऑल ऑफ यू वुड बी इन द एज ग्रुप ऑफ 21, 22, 23, सो यू विल बी कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन इन नेक्स्ट 1, 2 और 3 इयर्स, डिपेंडिंग आप किस साल में है ना। तो सबसे पहली चीज वाई यूपीएससी, पहले तो वाई यूपीएससी से पहले व्हाट इज यूपीएससी, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सबसे पहले तो यूपीएससी इज नॉट आईएएस, ये बड़ा लोगों के माइंड में मिथ होता है। यूपीएससी कंडक्ट्स एन नंबर ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। अगर भारत सरकार को कोई भी एग्जाम कराना है तो दे विल यूज यूपीएससी, दे विल रिक्वेस्ट यूपीएससी विच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कि उसका जो अपना मैंडेट है वो कोई एग्जीक्यूटिव ऐसे चेंज नहीं कर सकता। इवन अगर कोई मिनिस्टर बोले कि भाई आज ऐसे नहीं ऐसे कर दो, नो, उसके लिए आपको पार्लियामेंट में अप्रूवल लेनी पड़ेगी, पूरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कंसेंट चाहिए। सो इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विच इज हैविंग अ मैंडेट टू कैरी आउट रिक्रूटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बहुत सारे एग्जाम्स लेता है, उन बहुत सारे एग्जाम्स में एक एग्जाम होता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अब उस सारे एग्जामिनेशंस में भी आप देखेंगे कि जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है उसके अंदर 15 से 20 सर्विसेज होती है। 3 सर्विसेज ऐसी हैं जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज है, कौन कौन सी? क्या बात है, यहाँ पे एस्पिरेंट्स मुझे ज्यादा लग रहा है, आप लोगों ने कम लोगों ने हाथ खड़े करे। So, 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं और बाकी सारी सेंट्रल सर्विसेज हैं, जैसे कि हमारी इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विस, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, है ना, डिफेंस स्टेट सर्विस, काफी सारे सर्विसेज जो है सेंट्रल सर्विसेज। डिफरेंस क्या है ऑल इंडिया सर्विस और सेंट्रल में, जो ऑल इंडिया सर्विस होती है वो स्टेट में भी पोस्टेड होती है, जब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पोस्टेड होती है तब वो एट द डिस्पोजल ऑफ भारत सरकार, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर के डिस्पोजल पे होती है। तो जब हमने ये जान लिया कि हम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, तो मैं इस चीज पे भी आ जाता हूं कि एक आईएएस का क्या काम होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो जब ब्रिटिशर्स थे उन्होंने 1800s में एग्जामिनेशन शुरू किया आईसीएस का। कोई बता पाएगा कब पहला एग्जामिनेशन था? 1853 के आसपास शुरू हो चुके थे एग्जामिनेशन, और उनका जो मैंडेट था वो बदलता गया। पहले एग्जामिनेशन होते थे तो राजा महाराजे, यानी कि जो प्रिंसली स्टेट्स होती थी, उनको नॉमिनेट किया जाता था कि भाई आप गवर्नमेंट के लिए काम करिए एज अ सिविल सर्वेंट, बिकॉज उस समय डेमोक्रेसी तो थी नहीं, तो कोई वोटिंग तो होती नहीं थी, तो जिसको उन्होंने नॉमिनेट किया वही गवर्नमेंट के लिए काम करेगा। जब इसको इंडियंस के लिए खोला गया तब हमारे किस एरिया से सबसे पहले लोगों ने आना शुरू किया? बंगाल, बिकॉज बंगाल वॉज द एरिया ऑफ रेनेसांस। यहाँ पे काफी सारे इंडियन रेनेसांस जिसको हम बोलते हैं, चाहे वो सती प्रथा खत्म करने की बात हो, चाहे वो अदर लिटरेरी एक्ट्स में हमारे पुराने जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं उनके ट्रांसलेशन की बात हो, बंगाल टुक द लीड। तो वहां से ऑफिसर्स ने आने शुरू किया। ये सिलसिला चलता रहा 1900s तक, दोनों वर्ल्ड वॉर्स हो गए, और जब इंडिया 1947 में आजाद हुआ तब उस टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास ऑप्शन था कि सिविल सर्विस को कंटिन्यू रखा जाए या इसको हटाया जाए। हटाया क्यों जाए? बिकॉज देवर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जब सिविल सर्वेंट्स अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे तो वो अंग्रेजों के लिए जो अंग्रेज बोलते थे वो चीज करते थे, तो देयर वाज रिजेंटमेंट अमंग द इंडियन लीडरशिप के व्हाई शुड वी एंगेज सच पीपल। बट एट द सेम टाइम सरदार पटेल, हु वाज द होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एट दैट टाइम, सेड दैट सिविल सर्विस हैज अ मैंडेट,
वो मैंडेट है एक स्टील फ्रेम ऑफ द कंट्री, जो भी पावर्स इन द प्लेस उस समय होंगी वो कंट्री को एक सिस्टम के थ्रू चलाए, ये सिविल सर्विस की जिम्मेदारी है। और इसीलिए अभी हमने इंडियन सिविल सर्विस को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बनाने की जरूरत है। इससे ये होगा कि एक तो इनका जो मैंडेट था, पहले ये कॉलोनियल मास्टर्स के लिए काम कर रहे थे, नाउ दे विल बी अकाउंटेबल टू द पब्लिक, एंड डेमोक्रेसी में पब्लिक इज रिप्रेजेंटेड बाय द इलेक्टेड लीडर्स, व्हिच मींस द प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दूसरा इन्होंने बोला कि जो ऑल इंडिया सर्विस है वो स्टेट में भी रहती है, सेंटर में भी रहती है। अगर एक आईएएस या आईपीएस या फॉरेस्ट ऑफिसर की बात करें तो पहली पोस्टिंग में अगर वो एक ब्लॉक हेडक्वार्टर या तहसील हेडक्वार्टर पर पोस्टेड होते हैं, उसके बाद वो सब डिवीजन पे जाते हैं, उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट में रहने के बाद वो डिवीजन में जाते हैं, और इतना सब करने के बाद 10-12-15 साल बाद वो स्टेट लेवल पे जाते हैं, और सीनियोरिटी लाने के बाद वो दिल्ली में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पे जाते हैं। तो इसको स्टील फ्रेम क्यों बोला जाता है, क्योंकि पूरे कंट्री में 3,500 से 4,000 ऑफिसर्स हैं जो कि अभी आईएएस हैं। इसी तरह के ऑलमोस्ट नंबर्स हमारे इंडियन पुलिस सर्विस के भी हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के भी। तो आईएएस को स्टील फ्रेम इसीलिए बोला जाता है बिकॉज लोएस्ट रंग ऑफ द हायरार्की, ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, इट्स अ स्ट्रक्चर सिस्टम, एक नीचे ऑफिसर होगा, फिर उसके ऊपर एक होगा, फिर उसके ऊपर एक होगा, तो इट्स अ स्ट्रक्चर। तो जब आप एक ऑफिसर को तहसील, ब्लॉक लेवल, गांव के लेवल से ऊपर, डिस्ट्रिक्ट से, डिवीजन से, स्टेट से, दिल्ली तक के लेवल तक आप एक्सपीरियंस देते हो, तो वो ऑफिसर आपके कंट्री के ग्राउंड लेवल से लेके ऊपर तक के लेवल की रियलिटीज को समझ पाता है। और स्टील फ्रेम का काम है कंट्री को जोड़ के रखना, क्योंकि पॉलिसीज तो बनती रहेंगी, जैसे भी गवर्नमेंट आएंगी वो अपनी पॉलिसीज बनाती रहेंगी, लेकिन उन पॉलिसीज में कंटिन्यूटी रहे, जो हमारा सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशन का वो चीजों को चलाते रहे। चीजें क्या होती हैं, आपके स्कूल में टीचर आए, आपके घर में पानी आए, आपके यहाँ पे बिजली आए, आपकी सड़कें खुली रहे, आपके यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, आप लोग दुकान जा सके, सामान खरीद सके, सामान का जो रेट है वो रेट खरीदने लायक हो, यानी कि आपके रोजमर्रा की हर चीज के लिए अगर कोई सिस्टम बना हुआ है वो मेंटेन रहे, दैट इज द मैंडेट। और उसके अलावा जो इनोवेशंस और गवर्नमेंट पॉलिसीज है वो तो अलग है। तो ये बात हो गई सिविल सर्विसेज की, दिस इज व्हाट सिविल सर्विसेज ऑल अबाउट, व्हाट इज आईएएस, है ना। तो पहली चीज हमने बस्ट कर दी कि यूपीएससी सिर्फ आईएएस का एग्जाम नहीं कराता, दूसरी चीज हमने बस्ट कर दी कि वो सिविल सर्विस का एग्जाम कराता, आईएएस का तो कोई एग्जाम होता नहीं है, उनमें से एक एक सर्विस होती है आईएएस, वो पहले आईसीएस बोली जाती थी, आजादी के बाद उसका मैंडेट चेंज हुआ, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 311 दी गई, और इस 311 के प्रोटेक्शन में कोई भी ऑफिसर जो इस पोस्ट पे आता है उसको रिमूव कर सकते हैं उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और कोई उनको सर्विस से रिमूव नहीं कर सकता। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन क्यों है, ताकि हम लोग एक फेयर और फ्री मैनर में अपनी बात को रख सके, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के अंडर है उसको इंश्योर करा सके। अब बात हो गई आईएएस के ऊपर, एग्जाम यूपीएससी के ऊपर, नाउ व्हाई आईएएस, है ना, व्हाट हमने एड्रेस कर दिया कि होता क्या है, अब करना क्यों है। तो इसमें 3-4 चीजें हैं, और ये 3-4 चीजें मैं नहीं कहूंगा मैंडेटरी है, लेकिन अगर ये नहीं है तो समवेयर डाउन द लाइन थोड़ा लाइफ टफ हो जाती है प्रिपरेशन में। जैसे कि कई लोग होते हैं कि इट कैन बी अ स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम, इट कैन बी अ गुड गवर्नमेंट जॉब, बट ऑल ऑफ यू नो दैट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स व्हिच माइट नॉट बी दैट डिफिकल्ट,
as the civil service exam. So I would say that fixed income, salaried job, government job, safe job is not a reason to come into the IAS. दूसरा एक negative society का reason है, हमारी society में power structure बड़ा feudal हो जाता है, किसी किसी जगह चीजें change हो रही है. अब जिस तरह के हम लोग अकाउंटेबल है, पहले थोड़ी उतना होता था, इंटरनेट के जमाने में तो कहीं भी आप जाओगे आपको कोई वीडियो रिकॉर्ड कर लेगा, आपको जो भी बोलना है आप किसी को ऐसे दरकिनार नहीं कर सकते हैं. एवरीवन हैज अ राइट. इंटरनेट के जमाने में आज की तारीख में जिसके पास भी फेसबुक अकाउंट है उसकी आवाज है. तो दूसरा जो रीजन है वो है पावर का, कि मुझे पावर चाहिए तो मैं आईएएस बन जाता हूं. दैट अगेन इज अ नेगेटिव रीजन. क्यों नेगेटिव रीजन है? एक तो आपकी फाउंडेशन ही नेगेटिव हो गई कि भाई आप पावर के पीछे भाग रहे हो. आज का जमाना 21st century का है. पहली बार सिविल सर्विसेज, अब उस तरह की सिविल सर्विसेज नहीं रही कि भाई किसी ने कोई ऑर्डर दे दिया और वो इंप्लीमेंट हो जाएगा. सिविल सर्विसेज इज अकाउंटेबल. इन द डे ऑफ इंटरनेट, इन द मॉडर्न एज, हम सबको जवाबदेही देनी पड़ती है. उसके साथ साथ सिस्टम में चेक्स एंड बैलेंसेज बहुत है. जुडिशियरी है हमारे साथ, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो हैं, मीडिया है, जनरल पब्लिक है. तो पावर इज नॉट अ रीजन टू कम इनटू द सिविल सर्विसेज इज व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू. बिकॉज जब आप जाएंगे और आप देखेंगे अरे यार ये तो पावर मिल ही नहीं रही है, तो मैं पहली पोस्टिंग में आ गया, मुझे आलिशान घर क्यों नहीं मिल रहा, मुझे सर्किट हाउस में एक कमरे में क्यों रख दिया गया, तो आप बोलोगे ये तो मेरा पूरा मिथ ही खत्म कर दिया, मुझे तो बताया गया था कि डीसी के बहुत बड़े बड़े बंगलो होते हैं, ऐसा क्यों नहीं. तो सब जगहों पे अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, कहीं पे आपको काफी कंफर्ट मिलेगा, कहीं पे बड़ा घर हो सकता है, कहीं पे छोटा घर हो सकता है, बट यू हैव टू बी ओपन माइंडेड, यू कांट गो देयर फॉर पावर. तो दीज आर द टू रीजंस व्हिच यू शुड नॉट टेक. नाउ व्हाट आर द रीजंस व्हिच यू शुड टेक फॉर गोइंग इनटू द यूपीएससी. तो फर्स्ट रीजन तो ह्यूमन इज अ इनहेरेंटली सेल्फिश बीइंग, है ना. सेल्फ प्रिजर्वेशन हमारा इवोल्यूशन में एक बेसिक है. अगर हम सेल्फ प्रिजर्व ही नहीं करते तो आज हम जिंदा क्यों होते हैं? अगर हम खाना ही नहीं खाते, हम अपना सारा खाना घर का किसी को बांट देते, दुनिया में तो बहुत गरीबी है, तो हम तो भूखे मर जाते. तो फर्स्ट वी हैव टू सेल्फ प्रिजर्व. सो व्हाट इज द सेल्फिश रीजन? इट इज द सेल्फ सेटिस्फैक्शन दैट दिस जॉब ऑफर्स. What is the kind of self-satisfaction? That even at a very young age, at an age of, I came into the civil service at the age of 25. मैं medical में था, so we have around 5.5 years of MBBS. After that, you can appear for exams. तो 25 साल की age में है, at a very young age, you can occupy a chair, जिसमें कि काफी सारे officers जो इतनी seniority पे होंगे, even you can preside over them, you can ask them to do the right things. And you can bring a lot of change in the lives of people at a very young age. 25-30 साल की उम्र में कोई इंसान अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के जिला में बैठ के 10-15 लाख की पॉपुलेशन है, उस डिस्ट्रिक्ट के लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज कर रहा है, उस डिस्ट्रिक्ट के सारे असेंशियल सर्विसेज चले, जैसे कि मैंने आपको बताया पानी, बिजली, खाने का रेट, सब कुछ, उस डिस्ट्रिक्ट के सारे डेवलपमेंट वर्क्स अपने टाइम पे कंप्लीट हो, और जो भी पब्लिक की जरूरतें हैं उनका ध्यान रखा जाए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो, अगर 25-30 साल की उम्र में इन सब चीजों को ओवरसी कर रहा है, तो दैट इटसेल्फ इज अ वेरी सेल्फ सेटिस्फाइंग थिंग टू डू इन योर लाइफ. वेरी फ्यू जॉब्स इन द वर्ल्ड वुड ऑफर दिस. इंडियन सिविल सर्विस दैट वे इज वेरी यूनिक. कई जगह पे कंट्रियों की पॉपुलेशन 10-15 लाख होती है, और उस हिसाब से आप देखिए 25-30 साल की उम्र में आप एक डिस्ट्रिक्ट में बैठे होते हैं. सेकेंड चीज डेफिनेटली इज नेशन सर्विस. कि मैं कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं? क्यों? आप तो चेयर पर बैठ जाओगे, आप प्रेसाइड भी कर लोगे, आप लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन कर लोगे, सब्जी के दाम, बिजली, पानी सब इंश्योर कर लो, बट वॉट विल कीप यू मोटिवेटेड, वॉट विल कीप यू ड्राइविंग टूवर्ड्स मोर एंड मोर? बिकॉज कई तरह के ऑफिसर्स आपको मिलेंगे. मैं ये नहीं कहूंगा कि
सारे ऑफिसर्स जो आ जाते हैं वो बेस्ट होते हैं और उनमें कोई फ्लॉ नहीं होता। बहुत सारे ऑफिसर्स में फ्लॉ होते हैं, आप देखते भी हैं, कई जगहों पे लोगों के अगेंस्ट केसेस भी होते हैं, करप्शन के भी एलिगेशन होते हैं। तो अगर वो एक ड्राइव होता है कंट्री के लिए कुछ करने का, अपने लोगों के लिए कुछ करने का, तो दैट कीप्स यू मोटिवेटेड। तो उसमें अगर लाइफ के कुछ ऐसे पीरियड्स आते हैं जिसमें कि लल होता है, मोटिवेशन की कमी होती है, तब भी आप चलते रहते हैं, आप अपनी बाउंड्रीज को पुश करते रहते हैं। एस्पेक्ट्स को देख लिया, इन दोनों एस्पेक्ट्स को देखने के बाद अब हम लोग आ जाते हैं एग्जाम के ऊपर, विच इज हाउ यूपीएससी करना है तो कैसे कर सकते हैं। अभी एग्जाम का पैटर्न सबको पता है? नहीं पता? तो इस एग्जाम की खास बात दो तीन चीजों में मैं आपको समझाऊं। एक तो ये एग्जाम टाइम बढ़ा लेता है। एक बार आप प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करो, उसके बाद जब आप एग्जाम दोगे फिर मेंस आएगा, फिर मेंस के बाद इंटरव्यू होगा, फिर रिजल्ट आएगा, टोटल 1.5 साल तो पहले अटेम्प्ट में लग जाता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देता है। तो यू हैव टू गो विद अ लॉट ऑफ स्टैमिना, इतना लंबा पीरियड है। नॉर्मल एग्जाम में क्या होगा, नीट में क्या होगा, आप एक बार एग्जाम देंगे उसके बाद खत्म हो जाएगा। हमारे टाइम पे पीएमटी होता था, प्री मेडिकल टेस्ट बोलते थे उसको, एआईपीएमटी अलग होता था, एम्स का अलग होता था, सफदरजन वगैरह का अलग होता था, यूपीसीपीएमटी अलग होता था। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग एंड टायरिंग एग्जाम, सो यू नीड अ लॉट ऑफ स्टैमिना। सेकेंड थिंग, इसका कोर्स बड़ा वास्ट कोर्स है। अभी कोई बोलता है यूपीएससी का सिलेबस क्या, एवरीथिंग अंडर द सन इज अ यूपीएससी सिलेबस। आज हम इस जगह पे बैठे हुए हैं, हम यूपीएससी सिलेबस की बात कर रहे हैं, तो हायर एजुकेशन पॉलिसी इज अ यूपीएससी सिलेबस, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इज अ यूपीएससी सिलेबस, यूथ के सारे इश्यूज, ड्रग अब्यूज आर ए यूपीएससी सिलेबस। तो जो एग्जाम का पैटर्न है वो ये है कि सबसे पहले हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन बोलते हैं इसको। ये एग्जामिनेशन मेरे टाइम पे नॉर्मली गर्मी के टाइम पे होता था, मई जून के टाइम। फिर उसके बाद आपको 4-5 महीने का गैप मिलता है, और 4-5 महीने के गैप में नॉर्मली अगर मई में एग्जाम हो रहा है तो जुलाई एंड तक या जुलाई के मिड तक आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाता है। फिर उसके बाद आपके पास 3 महीने होते हैं और मेंस की तैयारी के, और मेंस का एग्जाम नवंबर दिसंबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, तीनों महीने में होता है। ये एग्जाम खत्म होने के बाद रिजल्ट आने में 2-3 महीने और लगते हैं, और उसके बाद होता है इंटरव्यू। तो 3 स्टेजेस हो गए। 3 स्टेजेस में जो सबसे पहला एग्जाम है प्रीलिम्स, वो है क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम। मतलब क्या है, क्या आपकी फाइनल यूपीएससी रैंक में इसका फर्क नहीं पड़ेगा, आपने इस एग्जाम को पास करना। तो हमारे टाइम के अराउंड अगर 5 से 6 लाख लोग एग्जाम देते थे, तो उनमें से 17 से 18 हजार मेंस के लिए क्वालिफाई होते थे, और उन 17 से 18 हजार में 3 से 4 हजार इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होते थे। 3 से 4 हजार में से अराउंड वेकेंसी के बेसिस पे 800 या 900 लोगों को जॉब मिलता था। अब ये जॉब का ऑप्शन वही 15-16 सर्विसेज है जो मैंने आपको बताई, जो यूपीएससी जो कराता है सीएससी। तो प्रीलिम्स का जो क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, इसमें पहला पेपर होता है जनरल स्टडीज का, 200 मार्क्स का है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यू। सेकेंड जो होता है प्रीलिम्स के अंदर ही, वो होता है आपका सीसैट, यानी कि आपका मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड। जब हम लोग एग्जाम देते थे तो सीसैट भी जो एग्जाम था उसके भी मार्क्स गिने जाते थे प्रीलिम्स। अब वो हो गया केवल और केवल क्वालिफाइंग, यानी कि 33% मार्क्स लेके आ जाओ एंड आप सीसैट वाले प्रॉब्लम से थ्रू।
तो जो मैथ्स के स्टूडेंट्स होते हैं बैकग्राउंड के, उनके लिए काफी आसान होता है। उस टाइम पे आर्ट्स के स्टूडेंट्स बोलते थे व्हाई शुड इट बी मेड मैंडेटरी, तो गवर्नमेंट ने बोला है सर्टेन अमाउंट ऑफ एप्टीट्यूड इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर। डेली लाइफ में आप देखोगे मैथमेटिक्स से आप कहां दूर जा सकते हो, हर जगह आपको चाहिए। दुकान पर जाओगे कोई सामान खरीदो तो मैथ्स चाहिए। सो सर्टेन डिग्री ऑफ एप्टीट्यूड इज रिक्वायर्ड, दैट इज व्हाई इट्स मेड क्वालिफाइंग 33%। प्रीलिम्स का हो गया, एमसीक्यू 200 क्वेश्चंस हो गए, आपने एग्जाम पास किया, 5 लाख लोग दे रहे हैं, 5 लाख आज कभी कभी 7-8 लाख भी हो जाता है, उनमें से केवल और केवल 17 से 18 हजार क्वालिफाई करेंगे मेंस के। प्रॉब्लम नंबर वन, यूपीएससी की तैयारी जब आप शुरू करते हो तब आप शुरुआत से प्रीलिम्स के लिए पढ़ने लग जाते हो, इट्स अ फंडामेंटली फ्लॉड अप्रोच बिकॉज दिस एग्जाम मार्क्स आर नॉट गोइंग टू काउंट फॉर योर रैंकिंग, सो यू शुड प्रिपेयर फॉर योर मेंस एग्जाम। और मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के बेसिस पे आप ऑटोमेटिकली प्रीलिम्स की भी तैयारी करने लग जाते हो क्योंकि सिलेबस लार्जली सेम रहता है। और प्रीलिम्स बिकॉज इट्स अ एमसीक्यू ड्रिवन एग्जाम तो उसमें चीजें ज्यादातर मेमोराइज करनी पड़ती है, वहीं मेंस में आपको एप्लीकेशन होता है, यानी कि यू हैव टू अप्लाई योर माइंड। आपसे एक सवाल पूछ लिया उसमें यस और नो का जवाब तो प्रीलिम्स में पूछ लेंगे, लेकिन वाई का जवाब आपसे मेंस में पूछेंगे, तो जब वो वाई का जवाब पूछेंगे तो आपको उसकी सारी हिस्ट्री डिटेल पूरी लिखनी पड़ेगी जवाब में। सो इट इज अ वेरी कॉन्सेप्चुअल एग्जाम व्हाइल प्रीलिम्स इज अ वेरी मेमोराइजिंग एग्जाम। सो यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन हैविंग मेंस एज द सेंटर ऑफ अटेंशन। अगर आपका अटेंशन ही दूसरी जगह होगा तो आप तैयारी क्या करोगे? तो पहली चीज तो यही अपने ध्यान में। दूसरी चीज, प्रीलिम्स का बड़ा ज्यादा फोकस होता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए अभी भी, मैं 15-16 में एग्जाम दे रहा था, अभी भी हिंदू का जो न्यूज़पेपर है और इंडियन एक्सप्रेस के जो न्यूज़पेपर है, ये दोनों एक तरीके के आइडियल सोर्स है फॉर रेडिली अवेलेबल करंट मटेरियल, करंट अफेयर्स। तीसरा है विजन आईएएस का मंथली एक करंट अफेयर्स का बुकलेट आता है, वो ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है। अगर हम इन तीनों चीजों में, न्यूज़पेपर एक ही पढ़िएगा दोनों में से, एक न्यूज़पेपर और एक विजन आईएएस का करंट अफेयर्स का मटेरियल महीने का पढ़ लें, तो सारी करंट अफेयर की चीजें हमारे नॉलेज में रहेंगी, कोई भी चीज हमसे बाहर नहीं जाएगी। कई बच्चे न्यूज चैनल देखने लग जाते हैं, न्यूज चैनल में डिबेट्स होती है, वो चीज जो 10 मिनट में बोली जा सकती थी वो आधे घंटे में बोलेंगे। आपने देखना भी है तो कभी कभी राज्यसभा टीवी, और वो भी जब वो कोई यूजफुल डिबेट कर रहे हो, बट इन मोस्ट केसेस यू विल रियलाइज कि ज्यादातर चीजें इन दो न्यूज़पेपर हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस और विजन आईएएस के करंट अफेयर्स से सॉल्व हो जाएंगे। तो जब हम प्रीलिम्स की तैयारी फोकस में नहीं रखते और मेंस की तैयारी से ही शुरू करते हैं, तो उसमें अगर मेंस के सिलेबस की बात करें, अच्छा सीसेट की मैं बता देता हूं, सीसेट की तैयारी का बड़ा सिंपल है, बाजीराम एंड रवि आपने सुना हो, उसका एक सीसेट का मटेरियल होता है प्रिपरेशन का, वो आपको कुछ बेसिक चीजों के बारे में बता देता है, और उसके बाद आपने उस बुकलेट को पढ़ने के बाद मल्टीपल सीसेट के आंसर शीट सॉल्व करने होते हैं, एंड दैट इज ऑल। ऐसे से ऐसे के कितने मार्क्स होते हैं? सारे एग्जाम्स के 250 मार्क्स, तो पेपर होगा आपका ऐसे का 250 मार्क्स, इसमें आपसे दो ऐसे लिखवाए जाएंगे 125 मार्क्स इच। उसके बाद आपका पहला ऑप्शनल होगा जो कि होगा हिस्ट्री और ज्योग्राफी, एथिक्स का होगा। ये एथिक्स का पेपर 2011-12 में शुरू हुआ, उसके पहले नहीं था। कितने हो गए? 5 हो गए, 5 × 250 1250, 1250, 500 मार्क्स का ऑप्शनल है, 250 ईच, दो पेपर्स होंगे, पेपर 1 पेपर 2, टोटल कितना हो गया?
1750, उसके बाद आएगा आपका इंटरव्यू जो कि होता है स्टेज 3। इंटरव्यू के कितने मार्क्स हुए? 275। और डेली का रूटीन बनाया क्योंकि बहुत लंबा एग्जाम है। ऐसा नहीं है कि हम 6 महीने तैयारी करेंगे और एग्जाम दे दिया, पूरा 1 साल तैयारी करना है और उसके अगले 1 साल तक भी अगर एग्जाम देते रहेंगे तो प्रैक्टिकली आपकी लाइफ के 2 साल चलेंगे। तो उसमें आपने सबसे पहले जीएस से शुरुआत की, मान लीजिए आपने हिस्ट्री से शुरुआत की। हिस्ट्री में अगर एंशियंट हिस्ट्री की हम बात करें तो मेरे केस में एंशियंट हिस्ट्री में हम मेनली कल्चर पढ़ते थे, आर्किटेक्चर रहता था, टेंपल आर्किटेक्चर, मॉस्क आर्किटेक्चर, उसके साथ साथ लैंग्वेजेस, हमारा जो भक्ति रेवोल्यूशन है मूवमेंट था, उस तरह के सारे जो हमारे एंशियंट हिस्ट्री के पॉइंट्स थे वो हमने पढ़ने होते। सोर्स क्या लेना होता था? एक तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और दूसरा नितिन सांगवान के नोट्स। दिस इज फॉर नितिन सिंघानी, दिस इज फॉर एंशियंट हिस्ट्री जो कि मेनली होता है एंशियंट हिस्ट्री में कल्चर ही आता है। कहने का मतलब है अगर हम अशोका की बात करें तो वो आपको अशोका के आयरन पिलर के ऊपर सवाल पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे कि अशोका ने कलिंगा में कैसे विक्ट्री करी थी अपनी। तो दे विल नॉट गो इनटू द हिस्ट्री एस्पेक्ट मोर, दे विल फोकस इनटू द कल्चर एंड लैंग्वेज एंड आर्ट एस्पेक्ट इन केस ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। सेकेंड जो हम चीज पढ़ेंगे मिडिवल हिस्ट्री। मिडिवल हिस्ट्री बहुत कम आती है एज फार एज मेंस पेपर इज कंसर्न, मेनली आती है प्रीलिम्स के एग्जाम में। और प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में जो आती है वो हम एनसीईआरटी के थ्रू सारा उसका इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। दैट इज योर फर्स्ट टेक्स्ट बुक टू रेफर। फिर हम आ जाते हैं लास्टली मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट होती है। मॉडर्न हिस्ट्री में एक तो हमारी स्पेक्ट्रम की किताब होती है ना, एक इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, एक इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिपिन चंद्रा की दो किताबें हैं। इसमें इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस जो है 1857 से शुरू होता है और 1947 तक जाता है। ये जो किताब है इसी का शॉर्टर वर्जन स्पेक्ट्रम की किताब है। तो अगर कभी हमने शुरुआत की बिपिन चंद्रा पढ़ के एक लार्जर आइडिया ले लिया कि 1857 से 1947 तक क्या हुआ, और उसके बाद हमने स्पेक्ट्रम की किताब को लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट याद ऐसे किया एज इफ इट इज ऑन द बैक ऑफ आवर माइंड, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक एज फार एज हिस्ट्री इज कंसर्न। फ्रीडम स्ट्रगल के लेके भी इसमें एक एक चीज को डिटेल से बताया गया है, अलग अलग मूवमेंट्स को लेके भी एक एक चीज को डिटेल से बताया गया। जब हमने एंशियंट हिस्ट्री खत्म कर दी बात आ गई इंटरनेशनल रिलेशंस की। इंटरनेशनल रिलेशंस में जिस तरह के सवाल आपको मिलेंगे आई वुड सजेस्ट कि आप विजन आईएएस का इंटरनेशनल हिस्ट्री का मटेरियल एक बार रेफर कर लें, जिससे कि आपको स्पेशली इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, यूनिसेफ, WHO, इन सब के बारे में जानकारी मिल जाए। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, उसके लिए हम बात करें जैसे कि अमेरिकन सिविल वॉर, फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके साथ साथ वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2। तो ये जितना हमारा बोल के चले 15 सेंचुरी से 19th और 20th सेंचुरी का पीरियड है वर्ल्ड हिस्ट्री का, इसके लिए हम किसी भी एक कोचिंग का मटेरियल यानी कि इनके क्लास के नोट्स होते हैं, इन क्लास के नोट्स को रेफर कर लें। जब हम इनके क्लास के नोट्स को रेफर कर लेंगे उसमें हम लोग अपने खुद के भी
पॉइंट्स बनाते जाएंगे एंड दैट इज ऑल. यू डोंट हैव टू रेफर टू एनी बुक एज फार एज वर्ल्ड हिस्ट्री इज कंसर्न्ड, बिकॉज वेरी लिमिटेड पॉइंट्स और लिमिटेड सब्जेक्ट्स के ऊपर आपसे पूछा जाएगा और उसमें ज्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स. मैं दो को ही मेनली रेफर करता था, विजन आईएएस और बाजीराव. इनका जो रीडिंग मटेरियल होता है वो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए सफिशिएंट होता है. इंटरनेशनल रिलेशंस यानी कि डिप्लोमेसी की अगर हम बात करें, एक इंपॉर्टेंट सर्विस मैंने आपको नहीं बताई, इंडियन फॉरेन सर्विस, वो भी सिविल सर्विस एग्जाम के थ्रू जाती है. एक टाइम होता था जब प्रेफरेंस में स्टूडेंट्स के फॉरेन सर्विस ज्यादा रहते थे, फिर अभी पिछले 50-60 साल से लोग आईएएस को ज्यादा अपने ऊपर में रखते हैं, बट फिर भी काफी सारे जो टॉपर्स रहते हैं वो कोशिश करते हैं कि हम फॉरेन सर्विस में जाएं, बहुत आपको इंस्टेंसेस मिलेंगे. तो जो डिप्लोमेसी वाला पार्ट है उसके लिए कोई किताब रेफर मत करिए, करेंट अफेयर्स इज योर गो टू थिंग. यानी कि अगर आपने अपने न्यूज़पेपर को मेथोडिकली डेली पढ़ा, एक रूटीन बना लिया, सुबह न्यूज़पेपर आया, हमने न्यूज़पेपर रीडिंग के बारे में भी मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना होता है, हमने उसको अगर पढ़ लिया तो हमारा जितना भी इंटरनेशनल रिलेशन है वो सारा हो जाएगा. तो अगर हम हिस्ट्री को समाप्त करें तो एंशियंट हिस्ट्री के लिए नितिन सिंघानिया के नोट्स और एनसीईआरटी, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की किताब और बिपिन चंद्र, मिडिवल हिस्ट्री प्रीलिम्स में ज्यादा आती है, मेंस के एग्जाम में बहुत कम आती है, उसके लिए हमारे एनसीईआरटी की जो किताब है दैट इज सफिशिएंट. वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए बाजीराम या विजन आईएएस के नोट्स, और डिप्लोमेसी इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए न्यूज़पेपर. This is the syllabus as far as history and world relations are concerned. Now let's come to polity. Very important. Why important? As a government servant, आप constitution के अंडर काम करें. अगर आपको अपने constitution के बारे में ही नहीं पता होगा तो आप काम क्या करोगे? अगर आपको citizens की fundamental rights and duties नहीं पता होंगे, directive principles of state policy नहीं पता होंगे, अलग अलग articles जो crucial articles हैं, crucial judgments जैसे कि केशव नंदा भारती judgment, ये नहीं पता होगा तो आप क्या करो? तो part जो GS2 का जो paper होता है वो होता है polity, और polity के लिए one simple one sharp solution लक्ष्मी का. You have to just go to Lakshmikant, remember every single line of it, and you are good to go. However, polity exam as far as mains is concerned is very much related to current affairs. कई बार आप लोग disheartened हो जाते हैं, बच्चे ना aspirants बोलते हैं हम तो इतनी सारी किताब पढ़ के गए थे लेकिन जब सवाल पूछे तो कुछ लक्ष्मीकांत में से तो केवल 3-4 सवाल ही थे, बाकी तो सारा वो इंटरनेशनल रिलेशन आ गया, कहीं पे इन्होंने करंट अफेयर पूछ लिया. तो करंट अफेयर पे बड़ा जोर रहता है, और जब आप तैयारी करते हैं तब भी आप सोचें कि जो चीज, मान लो इस साल अगर हम तैयारी शुरू करें कि जो चीज इस साल के अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में होगी ना, उसका बड़ा चांस है अगले साल जो हम यूपीएससी का एग्जाम देंगे उसकी पॉलिटी में क्वेश्चन आने का. और वो कैसे, मान लो किसी जगह पे, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है शिवसेना के दो फैक्शंस का, उसमें इलेक्शन सिंबल की बात हो रही है, तो कौन सी पार्टी रिकॉग्नाइज्ड होगी, एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर भी सवाल आ जाता है. तो ये सारे टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे अगले साल के और इस साल के मेन्स एग्जाम में एज फार एज पॉलिटी इज कंसर्न्ड. तो हमने करंट अफेयर को अपने सिलेबस के साथ जोड़ के देखना है, उसको साइलोज में आइसोलेशन में नहीं देखना. ये एग्जाम है ही ऐसा, आपने एक ब्रॉड विजन बना लेना है कि भाई हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं. भाई हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम तो ऑफिसर बन गए, ऑफिसर बनने के बाद कैसा जवाब लिखेंगे वो जवाब हमको चाहिए. तो यू हैव टू थिंक लाइक एन ऑफिसर. हाउ विल यू थिंक लाइक एन ऑफिसर? व्हेन यू विल बी लुकिंग एट द करंट अफेयर्स
and linking them with your textbook. So that is very important when it comes to your quality. अब हम पार्ट थ्री GS3 की तरफ आ जाते हैं, यानी कि इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स के लिए काफी सारी किताबें हैं मार्केट. अभी आप लोगों के ऊपर है आप किसको रेफर करें. आई डिड नॉट रीड एनी वन पर्टिकुलर बुक. बाजीराम का जो इकोनॉमिक्स का मटेरियल था, एज फार एज माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स ज्यादा आती नहीं, मैक्रो इकोनॉमिक्स आती है. मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्लास 12 की इकोनॉमिक्स की किताब होती है, बड़ी सिंपल होती है. आप बाजीराम के नोट्स पढ़ लो और उसके बाद वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब पढ़ लो, आपका मेजर इकोनॉमिक्स का पार्ट कंप्लीट हो जाता है. कोई और एलिमेंट रह जाए तो श्रीराम के इकोनॉमिक्स के नोट्स काफी अच्छे होते हैं. ऑफ कोर्स आपने लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड को देखना पड़ेगा. अभी हैव दोज नोट्स बीन एबल टू कीप अप विद द डिमांड ऑफ यूपीएससी इन द पास्ट 7 or 8 इयर्स और नॉट, बिकॉज सिलेबस भी तो अपडेट होता रहता है. आज की तारीख में इन्फ्लेशन की इंपॉर्टेंस जितनी है शायद उस टाइम पे नहीं रही हो. आज की तारीख में इकोनॉमिक सर्वे एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो आपने इकोनॉमिक सर्वे को भी अपना पढ़ना है. दैट इज अगेन एज इंपॉर्टेंट एज योर मैक्रो इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक. तो 3-4 चीजें हो गई इकोनॉमिक्स के. एनसीईआरटी की मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 वाली, बाजीराम के इकोनॉमिक, श्रीराम के इकोनॉमिक्स के नोट्स, तीसरा इकोनॉमिक सर्वे. और अगर ये भी चीज छूट जाती है तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बाजीराम के इकोनॉमिक्स के. तो यानी दो कोचिंग क्लासेस के इकोनॉमिक्स के नोट्स हो गए, बाजीराम के भी और श्रीराम के. हमने दोनों को जोड़ा, दोनों के बेस्ट एलिमेंट से अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी को लिंक किया. और फाइनली इकोनॉमिक सर्वे, जो कि एक तरीके के आज के गवर्नमेंट के इकोनॉमिक प्रायोरिटीज को दिखाता है, उसको हमने फाइनल डॉक्यूमेंट की तरह रेफर किया. इन चार चीजों को आपने पढ़ लिया, आप अपने इकोनॉमिक्स को समझ गए. और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इकोनॉमिक्स इज लाइक साइंस, काफी चीजें कॉन्सेप्चुअली चलती है. आपसे कोई सवाल पूछ ले कि भाई इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की रास्ते पे है लेकिन सर्विसेज सेक्टर ज्यादा आगे क्यों निकल रहा है, वॉट आर आर वीकनेसेस. तो हमने बड़ा लिंक करना होता है ना चीजों को. अगर किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट लिंकिंग मल्टीपल थिंग्स. अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आगे नहीं जा रहा है तो उसमें हर चीज में हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखने होते हैं. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 3 चीजें होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल. ये मैं इकोनॉमिक्स का आपको बेसिक बता रहा हूं. लैंड, लेबर और कैपिटल क्या मतलब है इसका. अगर मैंने जूते की फैक्ट्री लगानी है किश्तवाड़ में, तो पहली बात तो मेरे पास वो होना चाहिए जमीन, फिर उसके बाद मेरे पास लेबर होनी चाहिए. लेकिन लेबर कौन सी, सस्ती लेबर. अगर मैं कहीं बाहर से दिल्ली से लेबर बुलाऊंगा तो वो तो लेबर मुझे कॉस्टली पड़ गई, तो फिर लोग बोलेंगे भाई फैक्ट्री दिल्ली में लगनी चाहिए, आप इधर क्यों लगा रहे हो. और तीसरा कैपिटल, कैपिटल यानी कि फैक्ट्री लगाने का मेरे पास पैसा होना चाहिए. इसके बाद जरूरी चीज क्या है, अगर मेरी फैक्ट्री को चलना है तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. तो अगर मेरे पास रॉ मटेरियल यानी कि लेदर ही नहीं है तो मैं कहीं दूर से लेबर लेदर इधर मंगवाऊंगा. मान लो मुंबई से लेदर मंगवाता हूँ या लुधियाना से मंगवाता हूँ, तो लुधियाना वाला बोलेगा तो यार फैक्ट्री मेरे यहाँ पे लगनी चाहिए थी, मैं तो दिल्ली के ज्यादा पास हूँ. तो इकोनॉमिक्स एक बड़ा कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है. अगर आप क्वेश्चंस को कॉन्सेप्चुअली एड्रेस करोगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अपने माइंड में रखोगे सेंटर में, क्योंकि लैंड, लेबर, कैपिटल और रॉ मटेरियल और मार्केट, 5 चीजें हो गई हमारी. मार्केट का मतलब क्या हुआ, जूते बेचने हैं भाई, यहां से भेजने के लिए दिल्ली में तो मार्केट रखा हुआ है मेरा, मैंने जूते बना दिए उसकी कोई इधर डिमांड ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा. तो इकोनॉमिक्स का बेसिस हो गया, पहला पिलर क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल और मार्केट.
पांच चीजें होगी, पहला पिलर, दूसरा पिलर डिमांड सप्लाई, हर चीज का डिमांड और सप्लाई का ग्राफ बनता है। आपसे वो इन्फ्लेशन की सवाल पूछता है, हाँ भाई टमाटर महंगा क्यों हो गया, दो चीजें हो सकती हैं, या तो टमाटर की सप्लाई कम हो गई हो या टमाटर की डिमांड बढ़ गई हो, इन दोनों रीजंस की वजह से टमाटर का रेट बढ़ गया। टमाटर का रेट बढ़ गया उसको हमने क्या बोला, टमाटर का इन्फ्लेशन हो गया, है ना। तो दो अगर हमने चीजें बना ली, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और डिमांड सप्लाई, इन दो के बेसिस पे, कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे हम अगर ये रिसोर्स मटेरियल पढ़ते हैं तो हमारी इकोनॉमिक्स हो जाएगी। सेकंड पार्ट कौन सा होता है GS3 का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कोई एक सिंगल किताब नहीं है, कई सारे बच्चे क्लास 6-7-8 की किताब पढ़ते हैं। मैं बोलता हूं इतना अगर हम लोग पीछे जाएंगे तो बेसिक्स पढ़ लो, उसके बाद ज्यादा नहीं पढ़ना है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है इकोलॉजी। इकोलॉजी के लिए आपने क्लास 12 की बायोलॉजी जरूर पढ़नी है, उसमें जो इकोलॉजी वाला पार्ट है, पार्ट 5 है शायद, वो अभी तक चेंज नहीं हुआ है। वो आपके एनवायरमेंट का अभी जो इतना सारा इशू चलता है, क्योंकि ये एग्जाम करंट इश्यूज को लेके ही है, तो अभी ग्लोबल वार्मिंग मेन इशू है, तो आपके इकोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जब आप इकोलॉजी पढ़ते हो तो आप देखोगे उस किताब में NCERT में कि आपके काफी सारे समिट्स होते रहे UN लेवल पे, कभी दोहा समिट होता है, कभी कोपेनहेगन वाला होता है, अभी जो हमने अकॉर्ड साइन करे कार्बन एमिशंस को लिमिट करने के लिए, इन सब के डिटेल उसमें नहीं मिलेंगे। तो उसमें अगेन आपको एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का इकोलॉजी का रिसोर्स मटेरियल रेफर कर लेना है। उसके साथ साथ आपके कुछ टॉपिक्स जो आप UPSC का सिलेबस देखोगे, कुछ टॉपिक्स आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली जो हमारी किताबें होती है क्लास 6-7-8 की, उनमें नहीं मिलेंगे। वो चीजें भी आपने बाहर से रेफर करनी। अच्छा, मैं एक चीज भूल गया GS1 में, और वो है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का तो बड़ा सिंपल है, ज्योग्राफी में हमने 4 NCERT पढ़नी है, क्लास 11 की दो है, क्लास 12 की दो है। दे आर द बेडरॉक ऑफ बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी एज फार एज UPSC इज कंसर्न। आपने इतना पढ़ लिया, आपके ज्योग्राफी के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। एक टॉपिक आता है नेचुरल रिसोर्स को लेकर, वो नेचुरल रिसोर्स वाला आपने किसी कोचिंग के मटेरियल से पढ़ना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे एक किताब होती थी, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, जीसी लियोंग हम लोग रेफर करते थे, बट मैंने देखा कि एफर्ट थोड़ा ज्यादा है, रिजल्ट थोड़ा कम, तो हम लोग जीसी लियोंग को रेफर कर सकते हैं या फिर कोचिंग के मटेरियल। GS4 है एथिक्स, लेक्सिकॉन आती है एथिक्स में, लेक्सिकॉन इज द मेन बुक जो कि आपने एथिक्स के लिए रेफर करनी होती है। इसके अलावा अगर आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी मटेरियल ले लेंगे जस्ट टू कीप द क्वेश्चंस रेडी। एथिक्स में क्या होगा ना, आप लेक्सिकॉन पढ़ के चले जाओगे, हार्डली 2 या 3 ऐसे सवाल होंगे जो कि कॉन्सेप्ट पे हो, यानी कि मॉरल्स क्या होता है, सोसाइटल एथिक्स क्या होता है, बड़े कम सवाल होंगे जो कि कॉन्सेप्ट पे होंगे। ज्यादातर सवाल होंगे एथिकल डायलेमास ऑफ अ सिविल सर्वेंट। हमारे एक सीनियर है, पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एजुकेशन सेक्रेटरी थे, अनिल स्वरूप सर, तो उन्होंने एक किताब लिखी एथिकल डायलेमास ऑफ सिविल सर्वेंट। आप लोगों के पास कभी टाइम हो तो उसको पढ़िएगा, तो आपको पता चलेगा कि ऑफिसर की लाइफ में डे टू डे बेसिस पे क्या क्या एथिकल इश्यूज उजागर हो। तो उसके लिए हमने कोचिंग का मटेरियल रेफर करना है, मेरा रिकमेंडेशन बाजीराम रहेगा, बाकी आप लोग अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है उसका अपडेट ले सकते हैं। तो लेक्सिकॉन और उसके साथ एक कोचिंग का रीडिंग मटेरियल, बट एथिक्स में सबसे ज्यादा जरूरी है लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि 50% जो एग्जाम होगा
वो केस स्टडीज पे होगा, केस स्टडी में लंबी चौड़ी कहानी होगी। कहीं बोल देंगे कि भाई दो ट्रैक हैं, एक जगह पे पांच लोग लेटे हुए, एक जगह पे एक बंदा कूद के आ रहा है, आप कहां ट्रेन मूव करोगे, है ना। कई जगह पे आपको गवर्नमेंट में होगा, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, एक जगह पे दंगा हो रहा है, एक जगह पे कोई एम्बुलेंस की जरूरत है, क्या करोगे। तो आपको एथिकल क्वेश्चंस केस स्टडी के फॉर्म में मिलेंगे, जो प्रैक्टिस से ही हो सकता है। तो एथिक्स का पेपर इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। लास्टली जो दो ऐसे के पेपर्स हैं, ऐसे के पेपर्स को कैसे अप्रोच करना है। जैसे मैं अपने टाइम पे देखता था, काफी सारे लोग होते थे वो तो सेइंग और कोटेशंस को ही याद करते रहते थे, मगअप करते रहते थे, कोई कोई सौ सौ कोटेशन याद कर लेगा। दैट इज नॉट द डिमांड ऑफ दिस एग्जाम। अगर कोई टॉपिक है, मान लीजिए कोई टॉपिक इंडिया अभी जैसे 2022 का आजादी का अमृत महोत्सव, तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। बड़ा ब्रॉड टॉपिक हो गया। तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में इंडियन फ्रीडम फाइटर्स ने, नेहरू जी ने, पटेल जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, गांधी जी ने, सब लोगों ने क्या बोला कि भाई हम लोग आपको एक फॉरेन रूल से आजादी दिलाएंगे, एंड इट विल बी अ गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल। फॉर द पीपल में क्या हुआ कि आप लोगों ने भाई पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करना है, आपने पैसे को उठा के ब्रिटेन नहीं ले जाना, आपने पैसे को यहीं पे खर्च करना है। बाय द पीपल आपने डेमोक्रेसी बनानी है। 75 साल हो गए डेमोक्रेसी के। तो द रिलेवेंस ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव इज के भाई 75 years के बाद क्या हम अपने फ्रीडम फाइटर्स के प्रोमिसेस को और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोमिसेस को लोगों तक ले जा पाए। इसका जवाब हाँ और ना दोनों। लाइट चली गई। आपको क्या सोर्स है बताओ? सर जैसे कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन की प्रॉब्लम है, हमें बाहर जाना पड़ता है दृष्टि के लिए, कोचिंग के लिए, तो हमें यहीं पे मिल जाएगा तो हम बाहर जाने की इसमें दो चीजें हैं। हम यूपीएससी कोचिंग को भी इधर लाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे बायजूस आकाश का नीट वाला। दूसरा एक जो एलिमेंट है, आज की तारीख में कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है ना, उस तरीके का क्रिटिकल इंपॉर्टेंस नहीं रहा जो 20-30 साल पहले था। पहले सब लोग दिल्ली में राजेंद्र नगर जाते थे, अब उस तरीके का क्यों नहीं है? क्योंकि इंटरनेट का जमाना आ गया, आपको सारे नोट्स आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं, टीचर्स के गाइडेंस आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। मैं मानता हूं कि एक क्लासरूम एनवायरनमेंट को हम नहीं बना सकते, उसको रेप्लिकेट करना तो ये बोलना होगा कि टीचर्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। आई वुड ऑलवेज से कि ऑफलाइन इज ऑफलाइन। तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके, एक तो हम यूपीएससी को भी इधर लाने की कोशिश करेंगे, दूसरा आप भी इंटरनेट के जो मैंने आपको सोर्सेज बताए, एक इनसाइट्स ऑन आईएएस बड़ा अच्छा है, ऑनलाइन वेबसाइट्स है, सारा आपको मटेरियल आपको मतलब इतना ज्यादा मिल जाएगा, यू विल बी बॉम्बार्डेड। तो आज की तारीख में पता है क्या होता है कि इंफॉर्मेशन इज नो लॉन्गर द इशू, यानी कि पढ़ने को तो बहुत कुछ है, पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं है। चैलेंज क्या है कि पढ़ना कैसे है और वो गाइडेंस। तो उसके लिए हमने या तो इधर कोचिंग लाना है जिसके लिए हम ट्राई कर रहे हैं, या फिर जो हमारा किश्तवाड़ रीडिंग हब है उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट हर संडे एटलीस्ट एक रेगुलर फीचर बन जाए कि जितने भी सिविल सर्विसेज और मेडिकल के एस्पिरेंट्स हैं वो आए और एक एक घंटे का सेशन हो। उससे क्या होगा कि जो भी बच्चा अपनी तैयारी कर रहा होगा रेगुलरली पूछ पाएगा क्या मैं सही रास्ते पे हूँ, क्या मैं पढ़ाई ठीक से कर रहा हूँ। सबसे क्रूशल कॉम्पोनेंट होता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का टेस्ट सीरीज। क्यों? आप सोचोगे आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपने एग्जाम दिया, आपकी रैंक तो 15,000 से भी बाहर है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो सारा खेल ही रैंक का है। तो अगर आप अच्छी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते, अगर आप
अच्छा गाइडेंस ऑफलाइन जो कि हम लोग प्रोवाइड कर सकें। काफी अच्छे केएस ऑफिसर्स भी इधर हम लोग जो किश्तवाड़ लीडिंग हम पे आपको हर संडे प्रोवाइड करें। और तीसरा, अगर एक अच्छा कोचिंग हम लोग इधर ले आए जिसकी कोशिश कर रहे हैं, तो काफी हद तक इस चीज में मुझे लगता है आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। ऐसे पे पहुंच गए थे, ऐसे में हम लोगों ने इडियम्स और सेइंग्स को याद रखने के लिए 100-100, 500-500 सेइंग्स को याद करने के लिए ही अपना ऐसे का प्रिपरेशन बना लिया, ऐसा नहीं है। आपने रेलेवेंट टॉपिक्स पे, रेलेवेंट टॉपिक्स क्या होता है, मान लीजिए पॉलिटिकल एथिक्स, ठीक है, गवर्नेंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, हेल्थ, लॉ एंड ऑर्डर एंड पीस इन सोसाइटी, कम्युनल हार्मनी इन सोसाइटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, वर्ल्ड ऑर्डर एंड रिलेशंस बिटवीन वेरियस कंट्रीज, ये बड़े ब्रॉड टॉपिक हैं। हेल्थ मैंने आपको कितना बड़ा ब्रॉड टॉपिक बोल दिया, इसके अंदर तो कोई भी टॉपिक हो सकता है। अगर आप ऐसे 15-20 ब्रॉड टॉपिक्स को बना लें जिसके ऊपर आपने 2 या 3 अच्छे कपलेट्स, कुछ रिनाउंड साइंटिस्ट के, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के, थिंक थॉट लीडर्स के आपने कुछ लाइंस बना ली जिनको कि आप अपने ऐसे में क्रूशियल जगहों पे यूज कर सकते, है ना, कि भाई अगर हम मोरालिटी के ऊपर, पॉलिटिकल मोरालिटी के ऊपर, इलेक्शन में करप्शन के ऊपर बात करें तो हम कभी प्लेटो को कोट कर दें, कभी हम महात्मा गांधी को कोट कर दें, डेमोक्रेसी के लिए हम अमेरिका के किसी फाउंडिंग फादर को, जेफरसन को कोट कर दें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल थिंकिंग एंड साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए हम हमारे मौलाना आजाद को कोट कर दें, या फिर हमारे यहाँ के जो सीवी रमन और जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए उनको कोट कर दें, सोशल रिफॉर्म्स के लिए हम राजा राममोहन रॉय को कोट कर दें, इस तरह की जो हमारी चीजें हैं अगर हम उनको टॉपिक वाइज लेके चलते, सोशल रिफॉर्म्स, हेल्थ, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, गवर्नेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, तो हमको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हमारे वो टॉपिक आएगा मुझे याद आ जाएगा, अरे यार मुझे तो इसमें ये 2-3 मैंने इडियम्स याद करे थे, मैं लिख दूंगा उसको कोट करके, इमीडिएटली टॉपिक पढ़ के मैंने उसके बगल में लिख दिया मुझे तो इसके अगेंस्ट 2 याद है, तो मैंने अपने टॉपिक की तैयारी शुरू कर दी। टॉपिक की तैयारी कैसे शुरू की, सबसे पहले मैंने लिख दिया भाई मुझे 2 इडियम याद है, याद हो नहीं हो ऑप्शनल है, आई विल नेवर से इट्स द सेंटर पॉइंट ऑफ योर एसे, कोई ये नहीं बोलेगा भाई आपने कितनी सेइंग्स लिखी है अपने एसे में, सेइंग से क्या होता है, कंटेंट की बात है, एसे का कंटेंट जब होगा सबसे पहले तो आपने टॉपिक समझना है। कई बच्चे टेंजेंशियल चले जाते हैं, टॉपिक ही नहीं समझ पाते किसी और चीज पे लिख देते, टॉपिक आपसे क्या जानना चाह रहा है, जब आपसे टॉपिक क्या जानना चाह रहा है आपने समझ लिया तो आपने पहले लिखा कि भाई मैं एक रफ शीट ले ली, ऐसे के लिए बता रहा हूं रफ शीट लेना जरूर, एक रफ शीट ले ली उसमें साइड पे लिखा हाँ भाई मैं इंट्रोडक्शन में क्या लिखूंगा, इंट्रोडक्शन में आपने उस टॉपिक के बारे में जो अभी आपको जानकारी सरफेस पे जो जानकारी आपको लग रही है वो आपने बता दी। उसके बाद आप आ गए बॉडी ऑफ द एसे पे, बॉडी ऑफ द एसे पे आपने मेन सब्जेक्ट को टच किया, उस सब्जेक्ट को टच करने में आपने अलग अलग डायमेंशंस को पकड़ा। कई बच्चे बोलते हैं सर कई लोग तो टॉपिक ऐसे एक एक घंटा लिखते रहते हैं मुझे समझ में ही नहीं आता मेरा ऐसे आधे घंटे में खत्म हो जाता है, मैं लिखूं क्या, किसी भी टॉपिक के मल्टीपल डायमेंशन होते हैं। जैसे कि बात कर लेते हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में क्या रोल रहा जो हमारी डिफेंस फोर्सेस यानी कि ब्रिटिश ट्रूप्स थे, 1857 का म्यूटिनी जैसे हो गया, तो हर चीज का जवाब पिलर्स पे आप दोगे, कैसे दोगे, आप उस ऐसे के टॉपिक का सोशल एस्पेक्ट बताओगे,
आप उस ऐसे के टॉपिक का हिस्टोरिकल एस्पेक्ट बताओगे, इकोनॉमिक एस्पेक्ट बताओगे और पॉलिटिकल एस्पेक्ट बताओगे, चार एस्पेक्ट होगा, सोशल, हिस्टोरिकल और इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। कोई भी चीज हुई, कहीं भी हुई, क्यों हुई, उसके ये चार या पांच डायमेंशंस हो सकते हैं, है ना। साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते हैं भाई, किसी सोसाइटी में पॉपुलेशन साइंटिफिक तरीके से सोचेगी कि नहीं सोचेगी, उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं। एक तो हिस्ट्री हो सकती है, हिस्ट्री में ये हो सकता है कि भाई साइंटिफिक टेम्परामेंट का पहला इतिहास कैसा रहा, पहले लोग कैसे रहे, भाई पहले से ही अगर ट्राइबल सोसाइटी थी, साइंस को उतनी तवज्जो नहीं मिली, साइंस पीछे रह गई। पॉलिटिकल हो सकता है, पॉलिटी डेवलप नहीं थी, पॉलिटिकल लीडर्स ने डेवलप नहीं होने दिया साइंटिफिक टेम्परामेंट। तीसरा इकोनॉमिक हो सकता है, लोग गरीब हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए पहले आपको अवेयरनेस चाहिए, एजुकेशन चाहिए। तो मल्टीपल एस्पेक्ट्स को आपने टच कर दिया और किसी भी टॉपिक के ऊपर आप जवाब लिख सकते हो अगर आप इन चार पांच पिलर के ऊपर बना देते। लास्टली होता है कंक्लूजन, कंक्लूजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कई लोग मेरे से पूछते हैं सर ऐसे राइटिंग में हम पॉइंट तो नहीं बना सकते, मैं बोलता हूं पॉइंट तो मत बनाओ, वो तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मेंस में तो यही करना है, जीएस के तो सारे टॉपिक्स में पॉइंट वाइज ही जवाब देना है और उसमें भी यही करना है, इंट्रो, पॉइंट्स, कंक्लूजन, सब जगह, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, इंटरनेशनल रिलेशन हो, इंट्रो, पॉइंट्स, कंक्लूजन, सिंपल। लेकिन ऐसे में ऐसा नहीं, ऐसे में हमारा लॉन्ग फॉर्म चलेगा, 125 मार्क का एक ऐसे है, तो उसमें हम इंट्रोडक्शन के बाद जब हम किसी टॉपिक के ऊपर आएंगे तो हम सब हेडिंग्स दे सकते हैं और वो रेलेवेंट सब हेडिंग्स होनी चाहिए, जो कि जो हमारा इन्विजिलेटर जो आंसर शीट जो चेक कर रहा है, जो टीचर जो बैठा हुआ है, उसको गाइड कर सके कि हम कहां कहां किस किस पॉइंट को एड्रेस कर रहे हैं। और ऐसे में सबसे ज्यादा हाइलाइटिंग का इंपॉर्टेंस है। आपने 10 लाइन बड़ा पैराग्राफ लिख दिया, वो टीचर ने कितनी सारी आंसर शीट चेक करनी होती एक दिन में, वो कैसे उस क्रूशल वर्ड को पकड़ेगा जिसके बिना ऐसे अधूरा है, उस क्रूशल वर्ड को तो आप ही ने हाईलाइट करना है। यू हैव टू मार्क इट प्रोमिनेंटली। कई लोग मार्कर यूज करते हैं, कई लोग कलर्ड पेन यूज करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू टू कीप थिंग्स सिंपल। आप ब्लू पेन लेके जा रहे हैं, आप ब्लैक पेन से अंडरलाइन करो, दैट इज ऑल, दोनों पेन अलाउड, कीप इट सिंपल। कंक्लूजन में आपने बड़ी क्लैरिटी के साथ बताना है आगे का रास्ता क्या है, आगे का रास्ता यानी कि एज अ पॉलिसी मेकर आपको क्या लगता है कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी एंड वेयर आर वी हेडेड, दैट इज द क्रक्स ऑफ कंक्लूजन। तो हमारा ऐसे कंप्लीट हो गया, जीएस के सारे हो गए, लास्टली आ जाते हैं ऑप्शनल। ऑप्शनल के दो पेपर्स हैं, मैं सजेस्ट करूंगा जिसका जो सब्जेक्ट जिसमें उसको लगता है कि वो बेटर कर सकता है। EQ बड़ी इंपॉर्टेंस चीज है इस एग्जाम में। EQ का मतलब इमोशनल क्वेश्चन, ये भी जानना है कि सामने वाला क्या अच्छा करता है और क्या सुनना चाहता है या क्या एक्सपेक्ट करता है, ये भी जानना है कि आप क्या कर सकते हो। तो अगर आपके तीन सब्जेक्ट हैं, आप किस चीज सब्जेक्ट में अच्छे हो, वो आपका इमोशनल क्वेश्चन अपने आप के लिए है, उससे आप गाइडेंस लोगे कि भाई हाँ मेरे तीन सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, मैं हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी में अच्छा हूं, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी का मैंने जो सीनियर्स से और बाकी लोगों से कंसल्ट किया, सिलेबस थोड़ा आसान है और जल्दी हो सकता है। ऑप्शनल अगर मैं एंथ्रोपोलॉजी ले लूंगा तो शायद मैं अपना ऑप्शनल जल्दी तैयारी कंप्लीट कर लूं, मार्क्स भी उसमें अच्छे आ जाते हैं लोगों के अगर वो बेसिक चीजें अच्छे से कर दे, एंथ्रोपोलॉजी डन कर दे। हैव अ साइंटिफिक अप्रोच टू सेलेक्ट योर ऑप्शनल। माय अप्रोच वाज कि मैंने MBBS की हुई थी, अगर मैं कोई और सब्जेक्ट चूज करता एक तो मुझे मेहनत करनी पड़ती,
दूसरा मुझे लगा कि इतना एक जगह पे एक फील्ड में टाइम दिया है तो इट इज इम्पोर्टेंट कि मैं अपनी उस नॉलेज को यूज करूं। तीसरा इंटरव्यू में भी लोग पूछ लेते कि भाई आप डॉक्टर बन गए थे, मेडिकल का पेशा भी छोड़ दिया, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी छोड़ दिया, तो फिर एमबीबीएस क्यों करी, एग्जाम ही क्यों दिया, सीट जाया कर दी। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई पहली बात तो नॉलेज तो एक एक्वायर हो जाती है, लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलती है। दूसरा ऑप्शनल में मैंने मेडिकल साइंस लिया था तो आई थॉट कि आई वुड बी एबल टू डू जस्टिस टू इट। तो ऑप्शनल इज वेरी क्रूशियल, अपना ऑप्शनल बहुत ध्यान से चुने, साइंटिफिकली पॉइंट बाय चुने, आपको कभी कोई इशू नहीं आएगा। तैयारी में बीच में मुड़ के नहीं देखना पीछे, एक बार अच्छा चुन लिया तो फिर आगे चलते रहे। कई लोग नवंबर में अब सोचते हैं यार अब तो गलती हो गई चेंज कर। शुरुआत का अप्रोच सही रखना है। क्या अप्रोच है? ईक्यू के थ्रू अपनी स्ट्रेंथ्स एंड एबिलिटीज पता लगानी है आप किस सब्जेक्ट में अच्छे हो। नॉट नेसेसरी कि आप जिस सब्जेक्ट में अच्छे हो उस सब्जेक्ट को आपको सबसे ज्यादा पसंद भी है। यू हैव टू फाइंड द राइट बैलेंस, अच्छा सब्जेक्ट प्लस जिसमें इंटरेस्ट भी अच्छा हो, है ना। फाइंड द राइट बैलेंस एंड चूज योर ऑप्शन। So these are the main points as far as UPSC preparation are concerned. Timeline में अगर आप आज तैयारी शुरू करते हैं तो आप daily morning में हिंदू newspaper से शुरू करें, अपने GS के subjects की पढ़ाई शुरू करें। आपको मैंने सारे subjects की किताबें बता दी, GS 1, 2, 3, 4 की। ऐसे के लिए मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, प्रैक्टिस करनी है, एथिक्स के लिए प्रैक्टिस करनी है। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दिसंबर तक अपने मेंस की तैयारी करो, जनवरी के महीने में प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करो, प्रीलिम्स की तैयारी में सीसेट की प्रैक्टिस फरवरी में शुरू कर दो। टेस्ट सीरीज में मार्क्स एक बार अपने रैंकिंग चेक कर लो, उसके साथ साथ जो भी आपके अभी तैयारी का पीरियड है आपको नोट्स बनाने हैं। कैसे नोट्स बनाने हैं? लोग बोलते हैं सर मैं तो हिस्ट्री की किताब पढ़ती हूँ और हिस्ट्री की किताब के चैप्टर का मैं पूरे नोट्स बना लूँ। आई वुड नॉट रिकमेंड दैट। किताब किताब होती है, कोई इंपॉर्टेंट डिटेल आपने पहली बार पढ़ा, सेकेंड बार पढ़ा, आपसे छूट सकती है। पहली बात तो आप यूपीएससी एग्जाम में कम से कम 3 बार हर किताब को पढ़ेंगे, ये चीज याद रखें। 3 बार से कम अगर पढ़ा आपको याद नहीं रहने वाला। 3 बार पढ़ लिया तो भी भले ही आपको याद ना हो, बैक ऑफ द माइंड में माइंड का जो आपका ब्रेन का जो एक पैसिव मेमोरी है वो आपको गाइड करेगा, आंसर शीट में कहीं ना कहीं आपको पॉइंट याद आ जाएगा। तो आपने 3 बार एटलीस्ट पढ़ना ही पड़ा, वो आपने 3 बार पढ़ लिया, उसके बाद आपने नोट्स कैसे बनाए भाई? किताबों के नोट्स की जरूरत नहीं है, किताब में आपने वहीं पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क कर लिए, हर पेज के साइड वाली जगह पे स्पेस वहां पे आपने कुछ हाईलाइट कर लिए। मैं स्टार और इंपॉर्टेंट वाले सिंबल्स यूज करता था कि भाई ये पैराग्राफ में ये लाइन सबसे ज्यादा जरूरी है, इसके बिना नहीं होगा। उससे क्या होता है, जब आप रिवीजन करते हो अगले दिन एग्जाम है, पूरा यूपीएससी का सिलेबस आंखों के सामने है, कैसे करोगे? पहला पेज देखा तो 3 बार पढ़ चुके हो, मेमोराइज है, इंपॉर्टेंट स्टार मार्क वाले पॉइंट देखे, आगे चले। एक एक दो दो घंटे में लोग पूरी पूरी किताबें निपटा देते हैं। दैट इज द लेवल ऑफ मेमोराइजिंग यू रीच 3 बार पढ़ने के बाद। दूसरा, नोट्स अगर हम किताबों के नहीं बना रहे तो किसके बनाएंगे? मैं कहता हूं करंट अफेयर्स, हिंदू का जो हम न्यूज पेपर पढ़ेंगे हम उसके नोट्स बनाए। और कैसे नोट्स बनाए? कई सारे टॉपिक्स होते हैं, मान लीजिए मेडिकल नेग्लिजेंस, मेडिकल नेग्लिजेंस हो गया, या फिर एक मेडिकल का टॉपिक लेते हैं यूथेनेशिया। एक्टिव यूथेनेशिया होता है, पैसिव यूथेनेशिया होता है, यानी कि अगर कोई बंदा डेथ बेड पे है तो वो बोलता है उसके घरवाले के भाई इसको मार दो क्योंकि ये जिंदा नहीं रहेगा, अभी इतने पेन में मरेगा धीरे धीरे, बेटर इज टू गिव हिम लीथल डोज ऑफ इंजेक्शन। गवर्नमेंट हैज अ लॉ फॉर इट, इफ गवर्नमेंट हैज अ लॉ फॉर इट। हिंदू में कभी कोई आर्टिकल आया, ओपिनियन आर्टिकल आया, आपने उसके ऊपर नोट्स बना लिए। जब आपने अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रिवीजन या जीएस का, जब आपने जीएस 3 का पेपर का पढ़ाई शुरू किया
तब वो कोचिंग वाले ने यूथनेशिया के ऊपर एक चैप्टर दिया हुआ, आपने अपने नोट्स को अपडेट करते जाना है। कैसे? एक तो उसमें हिंदू न्यूज़पेपर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए, आगे भी कभी जब आप हिंदू न्यूज़पेपर में उस टॉपिक को फिर से पढ़ोगे आप उस आर्टिकल को अपडेट करते जाओगे। इससे क्या होगा, ओवर द नेक्स्ट वन ईयर आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स का किताब पूरा बन जाएगा 300-400 पेजों का, जिसमें कि हिंदू की इंपॉर्टेंट चीजें भी होंगी टॉपिक वाइज चलते हैं। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअसली लिखा जा रहा है, पता चला अभी मेडिकल नेग्लिजेंस के ऊपर आपने लिख दिया, फिर चार पेज बाद फिर से लिखा, आप उसको रिवाइज कैसे करोगे? एक ही पेज पर लिखा, उसमें स्पेस छोड़ दिया, स्पेस छोड़ने के बाद आपने मान लो आधे पेज का लिख दिया, दो महीने बाद आपने कोई एक काम की चीज पढ़ ली विजन आईएएस के करंट अफेयर में, आपने आधे पेज के बाद में वो पैराग्राफ ऐड कर दिया उसमें, उसके बाद आपने कभी किसी कोचिंग वाले का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पढ़ लिया, उसमें कोई एक नया पॉइंट आपको पता चल गया, आपने वो अगले पेज पर ऐड कर दिया। तो यानी कि आपने मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए वो दो पेज बना दिए जो कि इतने कॉम्प्रिहेंसिव है कि यूपीएससी में कोई सवाल उनके बाहर नहीं आ सकता, और एक तो वो करंट अफेयर्स इंक्लूड करके चल रहे हैं, क्योंकि आप तो जैसे जैसे आता जाता है न्यूज़पेपर में आप ऐड कर रहे हो, आपके नोट्स अपग्रेड होते जा रहे हैं, उसमें करंट अफेयर्स भी है, उसमें किताबों का भी राइट इंफॉर्मेशन है कंसाइज फॉर्मेट में, तो वो जो आपको नोट्स बन जाएंगे दैट विल बी योर गाइडिंग लाइट जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करें, फाइनल दिनों में प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे और जवाब मेंस की तैयारी करें। तो ये रहा नोट्स का, हिंदू न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, पहला पेज पढ़ना है, उसके बाद सीधा एडिटोरियल पे जाना है, दो पेज होते हैं ऑप-एड और एडिटोरियल, उन दोनों को पढ़ना है, काम की चीजें आर्टिकल्स लगते हैं तो नोट्स में ऐड कर देना है, उसके बाद इकोनॉमिक्स का पेज पढ़ना है, इंटरनेशनल रिलेशंस का पेज पढ़ना है, लोकल पॉलिटिक्स वाले पेज में नॉर्मली कोई रेलेवेंट चीज नहीं मिलती है, उसके बाद हम लोगों ने स्पोर्ट्स में अगर कुछ अच्छा कोई बड़ा माइलस्टोन हुआ है तो उसको पढ़ लें, दैट इज ऑल। अगर आप ये अप्रोच अपनाओगे पहले पेज में आपको 5 मिनट लगेंगे, इकोनॉमिक्स के पेज में आपको कोई काम की चीज मिली तो 5 मिनट, अनदर 5 मिनट्स प्रोबेबली फॉर स्पोर्ट्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन, उसके बाद कहानी शिफ्ट हो जाएगी ऑफ-एड पे और एडिटोरियल पे विच विल टेक हाफ एन आवर। तो मोटा मोटी 1 आवर यू विल स्पेंड पर डे ऑन योर न्यूज़पेपर रिलीजियसली, उसके बिना नहीं होगा। तो दैट इज हाउ टू रीड योर न्यूज़पेपर और उसमें से कैसे आपने नोट्स बनाए। मैं जैसे एग्जांपल लेता हूं, जब मैं तैयारी कर रहा था सीरियन सिविल वॉर चल रहा और मेरे को इंटरनेशनल रिलेशन बड़ा अच्छा लगता, ऑल्दो यूपीएससी में कोई उसका सवाल नहीं आया, लेकिन एक विजय प्रसाद होते थे जो हिंदू में उसके ऊपर आर्टिकल्स लिखते, तो बड़े लंबे लंबे एडिटोरियल्स होते थे, लॉट ऑफ डिटेल्स वर नॉट रिक्वायर्ड इन यूपीएससी, आपको हर डिटेल जरूरी नहीं है, तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू कट द क्लटर, यानी कि यू मेक सेंस आउट ऑफ द ह्यूज बंच ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल। तो मैं क्या करता था, वो अराउंड 1000 पेजों का आर्टिकल होगा, उसमें से केवल 5 या 6 लाइन का क्रूशियल इंफॉर्मेशन सीरियन सिविल वॉर के अपने नोट्स वाले पेज पर लिख लेता था, 3 महीने बाद फिर आर्टिकल आता था, मैं फिर लिख लेता था। तो ओवर द कोर्स ऑफ प्रिपरेशन क्या हुआ कि जब मैंने यूपीएससी की तैयारी खत्म की तो मेरे पास वो 2 पेज सीरियन सिविल वॉर को लेके इतने कॉम्प्रिहेंसिव थे, जो कि उसकी हिस्ट्री, उसके ट्रिगरिंग पॉइंट, सिविल वॉर के जितने भी सिग्निफिकेंट इवेंट्स, इंटरनेशनल कंट्रीज से उसका क्या राबता रहा, क्या इश्यूज रहे, और उसका ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पे क्या इंपैक्ट रहा, आई वाज एबल टू सम ऑल ऑफ दैट अप इन 2 पेजेस बिकॉज ऑफ दोस 2 पेजेस ऑफ नोट्स विच आई कुड डेवलप ओवर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, नॉट इन अ सिंगल डे, 12 मंथ्स। So this is the kind of note making that I would recommend to all of you. So this is all from my side. Syllabus bhi ho gaya, approach bhi ho gaya, notes bhi ho gaya, newspaper bhi ho gaya.
अब आपके सवाल एंड अदरवाइज आई वुड से इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, क्वेश्चंस विल नेवर सीज, वी कैन हैव मोर ऑफ सच सेशंस इन किश्तवाड़ रीडिंग अप प्रोबेबली ऑन संडेज व्हेन ऑल ऑफ यू आर फ्री, एंड दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। मेरा नाम अमित राठौर है और मैं सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ सर, मैं सरूर इलाके का हूँ। सर मैं पूछना चाहता हूँ सर कि कोचिंग इम्पोर्टेंट है या सेल्फ स्टडी से हो सकती है कि नहीं? कोच इम्पोर्टेंट है, उसमें कोचिंग हो या ना हो डिपेंड करता है। कई लोग होते हैं उनके लिए कोचिंग एक तरीके का रुकावट भी डाल देती है अगर वो सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ना दे, है ना। कई बार आपको ट्रैवल करना पड़ता है, नई जगह जाना पड़ता है, तो ऐसे बहुत इंस्टेंसेस हैं जिसमें लोग राइट अप्रोच करके, दो तीन चीजें इम्पोर्टेंट, एक तो अप्रोच आपका ठीक होना चाहिए, आपने एग्जाम को कैसे अप्रोच किया, यानी कि बेसिक किताबें तैयारी, प्रीलिम्स को बाद में करना है, मेंस को पहले करना है, ऐसे कैसे तैयारी करनी, ये अप्रोच के अंदर आ जाता है। दूसरा टेस्ट सीरीज, अगर टेस्ट सीरीज है तो आप अपना रैंकिंग बता सकते हैं। तीसरा किसी भी कोचिंग के वीडियोस, नोट्स आजकल ऑनलाइन अवेलेबल है, तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है आपको जो रोकती है, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कि नहीं आ पाते हैं कोचिंग क्लासेस, और उन सभी बच्चों के लिए ऑप्शन रहता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारा इधर डिस्ट्रैक्शन बहुत है। आप अगर इधर बैठ के बोलो कि आज मैं तैयारी करूंगा, तो आपके साथ तैयारी के लिए तीन चार लोग और होने चाहिए। वो क्या होता है, एक तो आपका ग्रुप बन जाता है, दूसरा आप एक दूसरे को भी कम्पीट करते हो। आप मान लो चार लोगों ने विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, आपकी रैंक आई 12,000, आपके साथी की आ गई 5,000, आपके मन में इमीडिएटली आएगा यार ये तो कुछ अच्छा कर रहा है, ये तो इधर बैठ के अच्छा तैयारी हो रही है। आप लोग आपस में एक दूसरे को इम्प्रूव करने लग जाते हो। तो एनवायरमेंट अगर अवेलेबल है तो कोचिंग कई हद तक अवॉइड की जा सकती है, अगर एनवायरमेंट नहीं है तो डेफिनेटली कोचिंग मददगार होती है। ठीक है, और भी कोई सवाल किसी का? अपने हाथ पहले खड़े करें, माइक भी सामने आओ, माइक पे आ जाओ आप। गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज मोहम्मद आमिर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि लैंग्वेज का आंसर राइटिंग ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जिस तरह एक लैंग्वेज हम एक फॉर्मल लैंग्वेज होते हैं और एक जो हमारे सस्ता लैंग्वेज, तो उसका क्या इम्पैक्ट रहता है आंसर राइटिंग के ऊपर? आपको सबको एडवाइस देना चाहूँगा, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज करना इज नॉट समथिंग जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। प्रॉब्लम को सॉल्व शॉर्टेस्ट वे में, बट एट द सेम टाइम द बेस्ट वे जो होता है, हमने वो लैंग्वेज यूज करनी है। मान लो आपने ऐसे लिखना है, यूजिंग अननेसेसरी एडजेक्टिव्स, थिंकिंग के इससे जो एग्जाम का है, जो एग्जामिनर है उसको इम्प्रेस करेंगे नहीं। आपने इम्पोर्टेंट लिटरेचर में पॉइंट्स तो बोल रही है, मतलब कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स तो यूज करने, पर जो आपने अपनी चीज है उसको सिंपलेस्ट वे में और जितना क्रिस्प तरीके से आप रख सकते हैं वो चीज आपको मार्क्स दिलाती है ना। तो लैंग्वेज में कभी ये नहीं सोचना कि हमको तो इंग्लिश नहीं आती तो हम बड़े बड़े वर्ड्स कैसे लिखेंगे। दैट इज नॉट व्हाट यूपीएससी आस्क, यूपीएससी प्रैक्टिकल अप्रोच चाहती है। कई सारे बच्चे होते हैं हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, वो इंग्लिश में एग्जाम लिखते हैं, उनकी इंग्लिश बड़ी बेसिक होती है और बहुत अच्छा करते हैं। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम बहुत सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में ही किसी बात को बोले जो सिंपल तरीके से भी बोली जा सकती है। द फोकस इज नॉट योर लैंग्वेज बट द कंटेंट, है ना, कि आपने बात क्या बोली और उसको आप कितने सिंपल तरीके से एग्जामिनर को समझा सकते। I learned about this in around 7th semester of MBBS. Before that, I had no intention of joining civil services. So, किसी का भी civil services पहले से aim हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, depend on person to person. In my case, I started from 7th semester, और the main hurdles was this transition period, है ना? So, one thing I would always say in this job that emotional intelligence is very important. At a very early age, I was able to find out what are my strengths and weaknesses. मैं किन चीजों में अच्छा हूँ और किन चीजों में खराब हूँ। अगर आज मैं बोलूँ मुझे फिजिक्स बहुत अच्छी लगती है, but मैं स्टीफन हॉकिंग्स नहीं बन सकता।
मैं क्या करूं, मैं बनने की कोशिश करता रहूं और अपनी पूरी जिंदगी इसी में निकाल दूं, या फिर मैं वो चीज सोचूं जो मैं कर सकता हूं और वो करने की कोशिश करूं और उसमें सक्सेसफुल हो जाऊं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग अपनी कैपेसिटी, अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर सकते। तो अगर आपको लगता है कि आप एक जनरल इंफॉर्मेशन को मेमोराइज अच्छे से कर सकते हैं, मल्टीपल चीजों को कोरिलेट कर सकते हैं और एक कॉन्फिडेंस से पब्लिक के साथ इंटरैक्ट या प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कटिंग थ्रू द कट क्लटर, मान लो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन बॉम्बार्ड करके बट आप राइट चीज को आइडेंटिफाई करके सॉल्यूशन बता सकते हैं, तो देन यू आर रेडी फॉर दिस एग्जाम एंड देन यू आर अ सिविल सर्विस मटीरियल। बिकॉज गवर्नमेंट एग्जाम क्यों कराते हैं, इसीलिए कि भाई सिविल सर्विस मटीरियल जो है उनको आइडेंटिफाई किया जाए। तो व्हाट इज द सिविल सर्विस मटीरियल, समवन हु इज एबल टू एडमिनिस्टर, एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम होता है, सबको कोऑर्डिनेट करना, मैनेज करना, यू हैव टू बी अ गुड मैनेजर, यू हैव टू हैव गुड मैनेजरियल एबिलिटीज, ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं कहां पे इसमें स्टैंड करता हूं। और जब आप वो एक्सरसाइज कर लें उसके बाद ही अपने आप को कमिट करें। बिकॉज आई वुड से इन टुडेज डे एंड एज जैसे जैसे सोसाइटी मॉडर्न हो रही, सिविल सर्विस आई वुड से इज नॉट द मोस्ट सॉट आफ्टर प्रोफेशन। सिविल सर्वेंट्स यूज्ड टू बी द हाईएस्ट पेड गवर्नमेंट ऑफिसर्स इन द एंटायर वर्ल्ड इन द 1850s, ढाई सौ या 350 सैलरी होती थी उस समय सिविल सर्वेंट की, जो मेनली ब्रिटिश होता था, एंड ही यूज्ड टू बी द मोस्ट पेड गवर्नमेंट सर्वेंट अक्रॉस ऑल द गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो एट दैट टाइम सिविल सर्विस वाज एट द पीक, बट आज की तारीख में पीक पे कौन है, आज की तारीख में पीक पे वो स्टार्टअप वाला है जो बैंगलोर में अपने एक स्टार्टअप को बना के बैठा हुआ है और जिसने 7,000 करोड़ वेंचर कैपिटल फंड से उठाया हुआ है और जो 10,000 बच्चों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, आज की तारीख में वो है कटिंग एज वाला काम। तो चीजें जमाने के साथ चेंज होती है। सिविल सर्विस का जो काम है वो है पुअरेस्ट की मदद करना, और सिविल सर्विस के जो पिलर्स हैं यानी कि जो गवर्नमेंट के जो पिलर्स हैं उनको सस्टेन रखना, चलाया। लेकिन अगर आप मेरे से बात करोगे कि क्या मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ काम कर पाऊंगा, इसरो में कुछ काम कर पाऊंगा, प्रोबेबली इसरो में कभी आई कैन गो इन अ मैनेजरियल रोल, है ना, आई कैन गो एज अ जनरलिस्ट बट नेवर एज अ स्पेशलिस्ट। सो यू हैव टू रियलाइज व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ द जॉब एंड व्हाट यू कैन डू और उसके बेसिस पे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है आज का ये सेशन एक टर्निंग पॉइंट बन रहा है उन सभी बच्चों के लिए जो सच में सर्विस में आना चाहते हैं। और सर मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें सुबह कह रहे थे सर अगर हमें खड़ा भी रहना पड़े, हम 3 या 4 घंटे भी खड़े रहेंगे, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट को एक बार उन बच्चों के लिए क्लैपिंग कर दीजिए। कोई और सवाल, एक एक करके आपको शॉर्ट हो देंगे। हाँ बेटा, आप नाम। गुड आफ्टरनून सर, समाज सेवक शर्मा लेकर। सर जैसा कि हमारा कॉलेज टाइम 10 से 4 है, हमारे पास यहाँ लाइब्रेरी अवेलेबल है बट वहाँ पे स्पेस की कमी है, तो वहाँ पे ज़्यादातर बच्चे एकेडमिक्स पढ़ते हैं, तो हम चाहते हैं हमारे कॉलेज में भी रीडिंग हब जैसा कोई एस्टेब्लिश हो यहाँ पे, ताकि वहाँ पे सिर्फ UPSC के एस्पिरेंट्स बैठें और वहाँ पे पढ़ सकें कॉलेज टाइम में। कॉलेज टाइम में आपको पढ़ना है तो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, उसमें मुझे लगता है कि मैं तो बोलूँगा एक जिस तरीके का फोकस ही एग्जाम डिमांड करता है आपको क्लासरूम में भी बैठ के पढ़ सकते हैं। बट अदरवाइज आई थिंक मैडम वी कैन एक्सप्लोर दिस अपॉर्चुनिटी इफ वी कैन प्रोवाइड सम स्पेस टू द स्टूडेंट्स। थैंक यू बेटा। सर गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम सुहानी आर्यन है। सर मेरा सवाल आपसे है कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन एज की सिलेबस बहुत वास्ट है तो हम बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो किस तरीके से खुद को मोटिवेट रखें, और सर आपने अपनी प्रिपरेशन के टाइम अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा है? सर एंजॉय करना चाहिए चीज़ों को ना, अगर आपको आपको प्रिपेयर कि भाई लक्ष्मीकांत की किताब दे दी आपको पहली लाइन में ही नींद आने लगती है, कोई फनी नहीं रहा फिर तो तैयारी कर, है ना। वहीं आपने एक इमरजेंसी के ऊपर आर्टिकल पढ़ा इंटरेस्टिंग सा, हिंदू में आया हुआ है ऑपेड, उसके बाद आपने लक्ष्मीकांत खोली और आर्टिकल 356 पढ़ा, तो चीजें आपने लिंक करी,
आपने इंटरेस्ट डेवलप किया है ना, कहीं पे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गया, कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, आपने पार्लियामेंट वाला चैप्टर पढ़ा, तो आपने चीजों को अपने लिए इंटरेस्टिंग बना के रखा। अगर आप उसको एग्जाम की तरह पढ़ोगे तो चीजें मुश्किल तो हो जाएंगी। अगर आप खुद सोचोगे कि हाँ यार, मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी क्यों नहीं पढ़ा जाए चीजों, एंजॉय करके पढ़ोगे तो कभी। एथिक्स का बता रहा हूँ, एथिक्स वाला तो मैंने आपको बताया केस स्टडीज और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके वो हो पाएंगे, तो आपने लोगों के जवाब देखने, मॉडल आंसर होते हैं पुराने साल के ना, आपने उनको पढ़ के आइडिया लगा लेना है कि पॉइंट बाय पॉइंट कैसे आंसर राइटिंग करनी है और फिर खुद से प्रैक्टिस करनी है। और कॉलेज टाइम की तैयारी का यह है कि अगर आपका 9 से 4 या 9 से 6-3 का है तो एम्प्टी स्पेसेस, मैंने एक पोयम पढ़ी थी इंग्लिश की किताब थी, आई थिंक 7th क्लास के बाद, एम्प्टी स्पेसेस है ना, हमारे दिन के रूटीन में बड़े सारे एम्प्टी स्पेसेस होते हैं। तो आपने जैसे मान लो सुबह जल्दी आ गए, आप अपने साथ हिंदी का न्यूज़पेपर लेके आ गए, आपके पास कॉलेज में 1 घंटा तो आराम से 6 घंटे में निकल जाएगा, आपने अपना न्यूज़पेपर उसमें खत्म कर दिया, फिर टाइम मैनेजमेंट, आप वापस गए तो आपने कितने टाइम में पढ़ाई फिर से शुरू करनी है, एट द सेम टाइम अपने आप को रिफ्रेश करना, अपने आप को हर 2 घंटे में बाहर जाना, थोड़ा लोगों से बातचीत करके रखना, सो दैट योर ब्रेन डजंट गेट टायर्ड, एंड कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, कीप योर सेल्फ मतलब अच्छा खाना खाना। सो अगर ये थोड़ा सा टाइम आप अपना मान देना और उसको आप बिना थके फॉलो करें, लोग बड़े ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं तो थक जाते हैं, फिर बोलते हैं सर नहीं हो पा रहा, वो आपने पहले ही सोचना था नहीं हो पा रहा है, तो एक चीज टारगेट करो, नहीं हो पा रही तो मॉडिफाई करो, क्वार्टर डाउन करो, तो अकॉर्डिंगली इसके करो, कॉलेज के एम्प्टी स्पेसेस और बाद का टाइम है।